सो कंटिन्यू पेज नंबर 149 चैप्टर 11 क्वेश्चन एफ. नाउ इन दिस क्वेश्चन सानिया आयुषी माँ नव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स. ये बच्चे जो है वो ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं एंड कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड. और आपने क्या करना है कि ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है. तो टेबल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ, पहला आपके पास क्या है सानिया का दिया हुआ. तो यहाँ पर सानिया की जो है वो लेंथ 10 है और 8 सेंटीमीटर क्या है बेड़थ दी हुई, ठीक है. और पेरीमीटर और एरिया इसमें गिवन नहीं है. अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो इसमें आपका पेरीमीटर और एरिया जो है वो क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है. यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ. सो यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं कि टू साइड्स को प्लस कर देते हैं. तो आपका 10 प्लस कितना आ गया 8, ठीक है. कितना बन गया ये 18 बना. दोनों साइड को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 36. और एरिया के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स कितना आ गया आपके पास 80, ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो लेट अस सॉल्व. चलिए सॉल्व करते हैं. सो इन केस ऑफ सान्या, अब सान्या के केस में लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है. सो पेरीमीटर क्या आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना बन गया आपके पास 18, ठीक है. ये 18 आ गया. सो 2 से मल्टीप्लाई तो 36 आ गया. नाउ एरिया, व्हाट इज एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सो लेंथ आपकी कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है आपकी, विड्थ आपकी 8 है. सो 10 8 से कितनी आ गई आपके पास 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ सेकेंड पार्ट, दैट इज इन केस ऑफ मानव. अब मानव के केस में लेंथ भी दी है और पेरीमीटर आपका क्या है गिवन है. नाउ यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ. आपने क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है. तो विड्थ के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ दैट इज इक्वल टू 44, क्योंकि 44 क्या है आपका पेरीमीटर है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. ये पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला होता है. अब इसमें क्या है, लेंथ प्लस आपकी विड्थ आ गई. ये वाला 2 जो है वो कहाँ गया नीचे, यहाँ पर आपका 2 नीचे आ गया. मीन्स कि 44 डिवाइड बाय 2. सो 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4, तो आपके पास ये कितना आ गया यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है. 44 से जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 आ गया. सो 11 सेंटीमीटर प्लस आपकी क्या आ गई, विड्थ आ गई, दैट इज इक्वल टू 22, क्योंकि आपकी लेंथ यहाँ पर 11 है तो आपने क्या किया 11 लिख दिया. सो विड्थ इज इक्वल टू, तो आपके पास 22 माइनस कितना आ गया 11, मीन्स कि आपकी विड्थ कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर. अब आपके पास क्या है यहाँ पर, लेंथ भी दी है, लेंथ कितनी है 11 और विड्थ कितनी है आपके पास 11 है दी हुई. तो व्हाट इज़ द एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज इक्वल टू 121 स्क्वेयर सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इन केस ऑफ आरुषि. आरुषि के केस में क्या है, विड्थ 8 सेंटीमीटर है और एरिया आपका गिवन है, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ. अब आपने क्या निकालना है, लेंथ. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है एरिया. एरिया का क्या फार्मूला है, यहाँ पर आपने क्या किया कि एरिया आपके पास है गिवन. एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है. तो एरिया के बदले आपने लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिख दिया और एरिया कितना है आपका 80, तो 80 का 80 लिख दिया आपने. अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर. सो राइट हियर 8 दैट इज इक्वल टू 80. अब आपने इक्वल टू के दूसरे तरफ 8 कहाँ जाएगा, इधर इधर जाएगा. तो 80 से क्या करेंगे हम, डिवाइड. सो डिवाइड 80 बाय 8 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. अब लेंथ आपकी कितनी आ गई है 10 और विड्थ आपकी कितनी है 8. सो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना बन गया 18. सो मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 18 टू ज 36. सो ये नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कबीर. नाउ इन केस कबीर,
कबीर के केस में क्या है कि पेरीमीटर आपका कितना है 40 और एरिया कितना है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर गिवन है और आपके पास एरिया भी आपके पास गिवन है, मींस यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, आपने लेंथ और विड्थ आपने निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपने पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + विड्थ, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर के बदले आपने क्या लिख दिया, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर लिख दिया। सो लेंथ प्लस विड्थ कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 40 को आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, मींस कि आपके पास 20 आया। यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सी है दिया हुआ, तो आपने क्या करना है कि 40 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 20। तो ये आपकी क्या आ गई, लेंथ प्लस विड्थ आ गई, ठीक है। अब आपने 100 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 100 के फैक्टर का मीनिंग क्या आता है कि किसको किसके साथ डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या आए, 100 आए। तो जैसे आप क्या करेंगे कि फैक्टर आप बना रहे हैं 100 के, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 और 50 को प्लस करते हैं तो वो क्या बनता है, 52 बनता है। आपने इस तरीके से बनाने हैं फैक्टर कि आपको उनको प्लस करके कितना बने, 20 बने। जैसे आपका 12 + 8 = 20, ठीक है, 12 + 8 आपका 20 बन जाता है। लेकिन अगर 12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 96, 100 नहीं आया, मींस कि ये नहीं हुई। नेक्स्ट आपके पास क्या है दिया हुआ, 4 × 25, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो 100 बन गया, क्योंकि 25 × 4 = 100 है। लेकिन प्लस करके कितना बना, 29, तो ये भी नहीं हुआ। अब 100 का लेंगे 5 × 20, लेकिन 5 + 20 25 बनता है, ठीक है। 100 का 10 × 10 लेंगे तो आपका क्या बन गया, 100, और 10 और 10 को प्लस जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है, 20। तो इस तरह से आपने बनाने हैं जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके क्या बने, 10 और 10 के बने 20। सो लेंथ कितनी आ गई, 10, और आपकी विड्थ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक पोर्शन है उसमें आपने क्या करना है, फिल करना है। क्लियर, यहाँ करेक्शन कर ले, 40 / 2 है।